राइट मैसेज राइट कम्युनिकेशन कंट्री इनसाइड न्यूज। आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज, देखिए ये बड़ी खबर। देखिए, हमको लगता है कि मंत्री जी का मानसिक स्थिति गड़बड़ा गया है। अब सेना इस देश की रक्षा करने वाले समूह के खिलाफ इस तरह का बयान बोलना, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण। ये उनके मानसिक स्थिति का इलाज कराने की जरूरत है। राजद पता नहीं कितने का इलाज कराने की चिंता हम लोगों पे छोड़ रहा है। पहले शिक्षा मंत्री का इलाज कराने की जरूरत थी, अब कोऑपरेटिव मिनिस्टर को इलाज कराना पड़ेगा। उसके बावजूद हम तैयार हैं कि कोइलवर में जो हॉस्पिटल मेरे पिताजी ने बनवाया है, वहाँ सबका इलाज हम लोग मुफ्त में भारतीय जनता पार्टी चंदा देके करे आए। कोई सर करवला बनाने की बात करता है, कोई रामचरितमानस पे सवाल खड़ा करता है, कोई सेना पे सवाल खड़ा कर रहा है कि वो क्या रहा कार्रवाई, उसका कारण है ना, कोई इकबाल नहीं है सरकार का। सरकार के मुखिया का कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया। राजद वाला समझता है कि इनके पास तो वोट ही नहीं है, तो इनका कितना सुनना है। जेडीयू के अंदर भी जो लोग हैं वो सोचता है कि मुख्यमंत्री तो कुछ दिनों के हैं, ये तो टेम्प्रोरी मुख्यमंत्री हैं, तत्काल तो तत्काल जब तक रहेगा तब तक इसका क्या महत्व है। वोट होना चाहिए ना। जनता को लगता है कि मेरा गोतिया है उत्तर प्रदेश। पहले हम एग्जाम्पल देते थे, ताकत है भाई, ये सब का कौन वैल्यू है, कांग्रेस रीढ़ बहीन, ये मुरकट्टा पार्टी जो है माले, इसका क्या वैल्यू है, एक ही आदमी राष्ट्रीय महामंत्री। अरे यार, विनोद मिश्र जी के बाद एगो भट्टाचार्य बचे हुए हैं, एगो लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, और जनता दल यूनाइटेड में तो राष्ट्रीय अध्यक्ष स्टाफे लोग होता है, तो उसमें क्या बोलना है, कोई बात बोलने की जरूरत है क्या। तो ये सब पार्टी है गैंग, लोकतांत्रिक पार्टी समझिए। भाजपा में देख लीजिए 20 साल पीछे 5-7 गो राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेंगे, प्रदेश में 7-8 गो प्रदेश अध्यक्ष मिलेंगे। लोकतंत्र जहाँ है ये नहीं है, उस पर बात क्या करना है, ये सब कोई पार्टी ही नहीं है। लालू जी के साथ लालू जी की विचारधारा वाला गुंडागर्दी आतंकवादी लोकतंत्र का हत्यारा वो गुट बना हुआ है, वही गैंग चलेगा, इसके ज्यादा है कौन गैंग। अरे नीतीश जी तो कहीं है ही नहीं, ना 3 में ना 13 में, वो तुतरू क्या बजाएंगे।